अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है सोशल स्टडीज़ का, तो देखते हैं इसकी डायरी। डायरी क्लास वन सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, लेक्चर नंबर 12, डेट 13 अगस्त 2020। टॉपिक है इसका क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस की रीडिंग है डायरी बुक पेज नंबर 27। तो पेज नंबर 27 पे लेसन नंबर 7 क्लीनलीनेस। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे क्लीनलीनेस के बारे में, कैसे खुद को, अपनी बॉडी को, टीथ को, अपने नेल्स को क्लीन रखा जा सकता है और जर्म्स और वायरसेस से बचा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। सबसे पहले है क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी। जर्म लिव्स इन डर्टी प्लेस एंड कैन मेक अस सिक। इफ़ आवर बॉडी इज क्लीन, नो जर्म कैन हार्म अस। टू क्लीन आवर बॉडी वी मस्ट टेक रेगुलर बाथ, वेयर नीट क्लॉथ्स, ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, कट नेल्स रेगुलरली एंड कॉम आवर हेयर। तो हेल्दी रहने के लिए क्लीनलीनेस जो है, सफाई है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। वो जर्म जो है वो डर्टी प्लेसेस, गंदी जगहों पे वो रहते हैं और वो हमें बीमार करते हैं। अगर हमारी बॉडी जो है वो क्लीन होगी तो जो जर्म है वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इस तरह टू क्लीन आवर बॉडी वी मस्ट टेक, अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर बाथ लेना चाहिए, नहाना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया। और इधर अपने टीथ को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, अपने नेल्स कट करने चाहिए रेगुलरली, वीक में 1 बार कट कर लें चाहिए, और अपने हेयर कॉम करना चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह हम जर्म से भी बच सकते हैं और बीमारियों से भी। और अपने हाथों को बार बार धोएं, इससे हम जर्म्स और वायरसेस से बच सकते हैं। अब देखते हैं, वी शुड क्लीन आवर एनवायरनमेंट बाय नॉट थ्रोइंग गार्बेज एवरीवेयर। हम अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं और इस तरह रख सकते हैं कि इधर उधर कचरा ना फेंके। जैसे लोग रैपर्स फेंक देते हैं, इस तरह चीज़ें बाहर रोड पे गलियों में फेंक देते हैं। कचरे को हमेशा डस्टबिन में फेंकें, इस तरह हमारा माहौल साफ़ सुथरा हो जाएगा और बीमारियों से बच जाएंगे। तो बच्चों, आप भी अपने घरों में, गली मोहल्ले में सफाई का बहुत ख्याल रखें। रैपर्स कचरा वगैरह गली में या बाहर कहीं नहीं फेंके, उसको डस्टबिन में फेंके। और ये क्लीनलीनेस के जो स्टेप्स हैं, इनको ज़रूर फॉलो करें। जैसा कि हमने इधर बताया, रेगुलर बाथ, नीट क्लॉथ, वेयर नीट क्लॉथ्स, ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, और अपने नेल कट करना, हेयर कम करना, इस तरह। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।